हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एंड विद मी रा। उम्मीद आप सब लोग कैसे होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अमेजिंग प्रोजेक्ट लाई हूँ। इस प्रोजेक्ट का नाम है दी नेबर्स। नेबर्स बहुत ही अच्छा अमेजिंग प्रोजेक्ट है जिसका मैं आपको कंप्लीट रिव्यू दूंगी, बताऊंगी किस तरह का प्रोजेक्ट है। उससे पहले आप मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मैं आपको कंप्लीट रिव्यू देती रहूँ और आप इसको जो है इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो चलिए, यहाँ पे दी नेबर्स जो है मिले हैं सस्टेनेबल प्रोटोकॉल दैट ऑफर्स द कम्युनिटी द इजेस्ट वे टू अर्न डेली, हम इससे डेली रिवॉर्ड्स भी जो है अर्न कर सकते हैं। तो बाय योर प्रॉपर्टी, अपने प्रॉपर्टी को बाय करें और स्टार्ट करें अर्निंग, ठीक है। उसके बाद ये जैसे कि आपको साइड से लग रहा होगा बहुत ही अमेजिंग है। इसका होम प्रॉपर्टीज के बारे में, स्टोरेज मार्केट, नेबर्स के बारे में आपको कंप्लीट बताऊंगी। वाइट पेपर है, इसका इकोनॉमिक्स है और इकोनॉमिक्स है, इसका रोड मैप है, टीम के बारे में। आप इसे डॉलर जो है बाय जरूर कीजिएगा। इसको बाय करने के लिए आपने अपने मेटावर्स मास्क या ट्रस्ट वॉलेट से जो है आप कर लीजिएगा, ये कनेक्ट कर लीजिएगा। कनेक्ट करने के बाद इसे आप लोग जो है ऐड कर लीजिएगा आपने उसमें और बाय कर लीजिएगा, ठीक है। बाय करने के बाद आप इसे बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी हासिल कर सकते हैं। तो चलिए हम अपनी साइट की तरफ चलते हैं। इसका अगर आप सोशल मीडिया पर ज्वाइन करना चाहते हैं तो ट्विटर और डिस्कॉर्ड के थ्रू जरूर कीजिएगा और उनका फैमिली मेंबर बनिएगा ताकि आपको इसके बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। उसके बाद जैसे कि वेलकम टू गोल्ड विन सिटी, बहुत ही अमेजिंग इसका जो लोगो है, देखिए कितना प्यारा है। आज ऐसा लग रहा है जैसे कि हम इसके अंदर ही चले गए हों। एक्सपीरियंस 360 वर्चुअल टूर, यहाँ पे बहुत ही अमेजिंग जो इनका यहाँ पे दिखाया जा रहा है सारा कुछ बहुत अमेजिंग है। चलिए हम आगे चलते हैं अपनी साइड की तरफ। उसके बाद 360 वर्चुअल टूर है इसका, नोट्स हैं, यूआर कैपेबिलिटी है, सीन नेबर शूट है, ठीक है। डोंट जस्ट इमेजिन यूर प्रॉपर्टी, जंप इनटू इट, एक्सपीरियंस द 360 वर्चुअल टूर, टेक योर टाइम टू डिसाइड वेयर द फर्नीचर विल गो एंड स्टार्ट, ठीक है। उसके बाद नोड है नेबर, जो नेबर्स हैं एनएफटी नोड हैं उसके, वो प्रॉपर्टी ओनर्स द पावर टू हेल्प रन ओवर इकोसिस्टम, वो जो है अपना उनको पावर दिया हुआ है कि वो अपना इकोसिस्टम रन कर सकते हैं, अर्निंग कर सकते हैं, रिवार्ड्स डेली बेसिस पे रिवार्ड भी हासिल कर सकते हैं। वीआर कैपेबिलिटी में क्या है, इमर्ज इनटू फ्यूचर मेटावर्स एंड विजिट योर फ्यूचर हाउस विद वी आर मोर, ठीक है। उसके बाद सी नेबरहुड, नेबरहुड के अंदर क्या है, विद मोर नेबरहुड इनसाइड देन एनी अदर एनएफटी रियल स्टेट, वी हैव कम कैप्चर्ड द कलर ऑफ एंड डाइवर्सिटी ऑफ कम्युनिटीज, ठीक है। उसके बाद अबाउट, इसके बारे में थोड़ा सा बताया कि नेबर है क्या, आप इसे बाय भी कर सकते हैं। नेबर एक एनएफटी बेस्ड मेटावर्स गेम है जिसे आप रन कर सकते हैं और अपने डेफी प्रोटोकॉल के अंदर जहाँ पे आपके जो प्लेयर्स हैं परचेज कर सकते हैं वर्चुअल रियल स्टेट और इन फॉर्म ऑफ एनएफटी, ठीक है। दैट उसे आप अर्न भी कर सकते हैं डेली पैसिव रिवार्ड्स, ठीक है, डेली बेसिस पे आप इस पर अर्न भी कर सकते हैं। दोस्त सम प्रॉपर्टीज आर लिंक्ड इन टू अ नोड, जो इसकी उनकी प्रॉपर्टीज है वो लिंक करती है नोड से और जो उनका और नोड जो है विल हेल्प पावर द नेबर्स इकोसिस्टम इंडस्ट्री हाउसेस प्लेयर्स कैन बाय एंड सेल इन द गेम एसेट्स लाइक फर्नीचर डेकोरेशन टू द इंक्रीज लाइक देयर रिवार्ड्स, ठीक है। उसके बाद हम क्रिएट कर सकते हैं अपना प्लेटफॉर्म जहाँ पे प्लेयर्स जो है एंजॉय कर सकते हैं फूड्स लेबर्स कलेक्टिंग ट्रेडिंग योर यूनिक एनएफटी बेस्ड एसेट्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप इसे प्ले कीजिएगा, बहुत ही अमेजिंग गेम है। प्ले ओवर फ्री एनएफटी डेमो टुडे, तो आप इसे प्ले कर सकते हैं, बहुत ही अमेजिंग जो है, आप इसे जरूर प्ले कीजिएगा। इसका डेमो जो है टुडे मैंने बताया आपको दिया हुआ है, प्ले ओवर फ्री एनएफटी, आप इसे प्ले फ्री जो है प्ले भी कर सकते हैं। और उसके बाद बिकम अ रियल स्टेट ऑनर, एज अ रियल स्टेट ऑनर यू विल हैव टू टेक केयर ऑफ योर प्रॉपर्टीज, आपको मतलब अपने ओनर होने के नाते आपको चाहिए कि आप अपने प्रॉपर्टीज का ख्याल करें, ठीक है। तो आपको मतलब इसका ख्याल रखना चाहिए, फर्निश करना चाहिए उनको, इंक्रीज करना चाहिए वैल्यू पार्ट ऑफ द नेबर इकोसिस्टम। हर प्रॉपर्टी जो है यूनिक है और डेली रिवार्ड मतलब इसे हासिल कर सकते हैं आप। इसे थोड़ा सा इस प्रॉपर्टीज किस तरह से बाय करना है, आप इसे बाय जरूर कीजिएगा। अगर आपके पास पैक्स होंगे तो आप इसे बाय कर सकते हैं, बाय कीजिएगा और प्ले कीजिएगा, तो इसे बहुत ही आप बाय पैक्स को बाय कीजिएगा तो ही आप मतलब प्रॉपर्टीज जैसे आप बाय करने के लिए आपके पास पैक्स होने जरूरी हैं, पैक्स होंगे तो आप इसे बाय करेंगे, बाय करने के बाद इसे प्ले कीजिएगा तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा। इनके जो मतलब फर्नीचर्स हैं, जो चीज़ें हैं, ये सारी आप अपग्रेड भी कर सकते हैं। और एनएफटी मार्केट है जैसे कि एनएफटी मार्केट के अंदर डेकोरेट कर सकते हैं अपना वर्चुअल होम, डेकोरेट कर सकते हैं, प्रॉपर्टी को जो है बेच भी सकते हैं, होस्ट इवेंट्स भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इकोनॉमिक्स के अंदर शॉप यहाँ पे दी हुई है जैसे कि यहाँ पे आप सोल्ड भी कर सकते हैं, टेबल भी लैम्प भी सब कुछ यहाँ पे आप चीज़ें बेच भी सकते हैं। उसके बाद इकोनॉमिक्स है, बहुत ही अमेजिंग गेम है ये। तो फर्नीचर के हवाले से जैसे नेबर्स जो होते हैं उनके मतलब फर्नीचर्स होते हैं, घर की चीज़ें होती हैं, आप बाहर मतलब एक घर पूरा जैसे होता है उस हवाले से ना आप कुछ भी मतलब गेम प्ले कर सकते हैं, बहुत ही अमेजिंग गेम है।
इकोनॉमिक्स इसके डेफ प्रोटोकॉल, आप डेली जो है रिवार्ड भी कर सकते हैं, गवर्नेंस ठीक है उसके अंदर कलेक्ट कर सकते हैं डिफरेंट एनएफटी दैट में इंक्रीज इन वैल्यू। उसके बाद रोड मैप है, जैसे कि इसका रोड मैप फेस वन 2022 के अंदर जो इसका आया प्री सेल थी, उसके बाद फेस टू 2022 के अंदर एनएफटी मार्केट प्लेस, पब्लिक सेल, फेस थ्री जो थी पार्टनरशिप अल्ट्रा एनएफटी कलेक्शंस, फुल वर्चुअल 3D प्लेटफॉर्म थे, एक्सपेंशन ऑन द नेबरहुड, उसके बाद इंटीग्रेशन इन द मेटावर्स। उसके बाद हम देख लेते हैं इनकी टीम के हवाले से, तो इनकी टीम जो है इन्होंने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया, इसके ऊपर काम किया। तो को फाउंडर एंड CEO है फैब्राइस हैं, उमेश हैं ठीक है, अरुण हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इनकी टीम जो बहुत हार्ड वर्क किया और यहाँ तक आज पहुँची है। और यहाँ पे सैम है जो कि स्पोकन स्पोक्सपर्सन है ठीक है। उसके बाद आशीष हैं जो कि डिज़ाइनर हैं, हेड ऑफ कम्युनिकेशन मिर्चा है, और मैक्स जो है वो हेड ऑफ मेटावर्स है। इस तरह से बहुत एक्सपीरियंस टीम है इनकी जिन्होंने इस पर वर्क किया। आप जो है नेबर्स ज्वाइन भी कर सकते हैं नेबर्स को ठीक है, बिकम आप प्रॉपरली ऑनर एंड स्टार्ट योर रियल स्टेट एम्पायर। आप इनकी जो कम्युनिटी पर जरूर जो है इसे वो कीजिएगा। उसके बाद हम चलते हैं इसके वाइट पेपर की तरफ। चलिए मैं वाइट पेपर का लिंक भी थोड़ा सा आपको डिस्कस कर देती हूँ, किस तरह का इसका वाइट पेपर का लिंक है और किस तरह का इसका वाइट पेपर है ठीक है। डिस्क्लेमर है, सबसे पहले इसका डिस्क्लेमर के अंदर परचेज कर सकते हैं, ऑनरशिप रिसेप्ट कर सकते हैं, प्रोसेशन कर सकते हैं, सारा कुछ इसके अंदर है, आप इसे खुद ही रीड आउट कर लीजिएगा ठीक है। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन की तरफ चलते हैं, चलिए इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। नेबर एक एनएफटी बेस्ड मेटावर्स गेम है जो कि रन करता है ऑन डेफी प्रोटोकॉल, जिसके कम्युनिटी इंडिविजुअल एसेट्स ये सारा कुछ इसके अंदर बताया हुआ है, आप देख सकते हैं ये इसके अंदर थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है। उसके बाद इनका मिशन क्या है, मिशन देख लेते हैं। हमारा कम्युनिटी ड्राइवन जो प्रोजेक्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है इसके अंदर सस्टेनेबिलिटी है, और ये सारा कुछ इसके अंदर बताया हुआ है कि ये क्या है वो भी देख लीजिएगा। अब हम एनएफटी की तरफ से मिलते हैं। कोंडो ये इतना जो है फैमिली होम के अंदर इतना है डॉलर है, मैंशन इतने डॉलर का है ठीक है, ये सारा इसके अंदर थोड़ा सा बताया हुआ है, आप इसे खुद रीड आउट कर लीजिएगा। इकोसिस्टम, चलिए हम इकोसिस्टम की तरफ चलते हैं। इकोसिस्टम के अंदर प्रॉपर्टी है, नोड्स हैं, इसके अंदर प्रॉपर्टी के अंदर बताया हुआ है कि इसमें क्या एनीवन हु ऑन रियल एस्टेट इन द नेबर्स, ये सारा कुछ खुद रीड आउट कीजिएगा आप लोग। नोड्स मार्केट प्लेस होम डेक योर एसेट्स ठीक है। उसके बाद नोड्स नोड्स की तरफ चलते हैं। इस तरह से नोट्स में भी थोड़ा सा रिव्यू दिया हुआ है, आप इसे खुद रीड आउट कर लीजिएगा। इसमें ट्रांजेक्शन सीलिंग हेल्पिंग भी है और ये सारे फीचर्स आप खुद ही मतलब इसके रीड आउट कर सकते हैं। उसके बाद फीस और टैक्सेस की तरफ चलते हैं। फीस और टैक्सेस के अंदर कॉन्डो है, मतलब कितनी इसकी फीस लगती है, कितने टैक्सेस हैं, मंथली क्या सिस्टम है, वो सारा कुछ इसके अंदर बताया हुआ है। प्रॉपर्टी फीस क्या है, तो कॉन्डो मतलब इसका बताया हुआ है फैमिली होम के लिए कितना है, इसका टैक्स है कितना आपको पे करना पड़ता है, क्या सारा कुछ बताया हुआ है। क्लेम क्या है आपका, फ्लैक्स टैक्स क्या है, वो भी बताया हुआ है। उसके बाद यूटिलिटी टोकनॉमिक्स के अंदर चलते हैं। यूटिलिटी टोकनॉमिक्स जो है इसका वो बताया हुआ है क्या कितना मतलब परसेंट आपको, एक सर्कल है जो कि डिवाइड किया हुआ है, उसकी पार्टीशन की हुई है। टीम एलोकेशन पार्ट जो है वो 10% है, और 15% नेबर पूल को जाता है, ट्रेजरी को 15% जाता है, और 60% रिवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन पूल को जाता है। उसके बाद नेबर की इन्फो में बताई गई है, थोड़ी सी इसकी इन्फो भी आप खुद रीड आउट कर लीजिएगा कि नेटवर्क अवेंट्री है इसका, सर्कुलेटिंग सप्लाईज इतना है, टोटल सप्लाईज का इतना इनिशियल लिक्विडिटी, ये सारा कुछ इसके अंदर बताया हुआ आप देख सकते हैं, इतना इतना इसके अंदर इनिशियल लॉक है, लिक्विडिटी पूल भी बताया हुआ है। उसके बाद डेली अर्निंग रिवार्ड्स, आप डेली कितना अर्न कर सकते हैं इससे वो भी बताया हुआ है, आप देख लीजिएगा कि आप इसे कितना डेली अर्न कर सकते हैं, आपको इससे बहुत ज़्यादा अर्निंग होने वाली है। और जिसका जो नेबरहुड का जो बहुत ही अमेजिंग लोगो है ये देख लीजिए आप, इसका बहुत ज़्यादा प्यारा इसके अंदर सारा कुछ बताया हुआ है। डेट प्लान भी बताया हुआ है इन्होंने कि किस तरह से आप रिटेल प्लान कर सकते हैं, इसे जरूर रीड आउट कीजिएगा, अगर इसे रीड आउट करेंगे तो आपको अपनी गेम भी समझ आ जाएगी। तो चलिए हम अपनी साइड की तरफ चलते हैं। साइड जो है हमारी इनकी जो मार्केट है वो कमिंग सून है बहुत जल्द, मतलब जो इनकी मार्केट है वो आने वाली है। और उसके बाद स्टोरेज में देख लेते हैं, वो भी कमिंग सून है बहुत जल्द ठीक है। उसके बाद नेबर्स है, मतलब नेबर्स में भी इस तरह से आप देख सकते हैं ये सारा। उसके बाद हम चले हैं आज का जो है, मैंने आपको कंप्लीट रिव्यू दिया और बताया किस तरह का ये प्रोजेक्ट है, जिसे बहुत ही अमेजिंग है, अगर इसे आप खेलेंगे ना तो आपको बहुत ही मजा आएगा, आपको बहुत ज़्यादा मतलब प्ले भी कर सकते हैं, अर्न भी कर सकते हैं, फन भी कर सकते हैं। तो